जो जीवों को खाता है, मांस को बेचता है, मांस खाता है, उसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। उन जीवों पर क्या गुजरती होती है, उन जीवों पर क्या गुजरती जिनका तुम गला काट करके खा जाते हो। तुम जीवों को तो बिना दया के काट देते हो। हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारी पांचों अंगड़ियां एक टेबल पे धरे हो, एक ठैया काटे, शाकाहारी बनो, नरक से बचो रहो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह नाज़रीन, उम्मीद कर तो आप सब ठीक ठाक होंगे। एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का क्या ख्याल है, क्या राय है, वो भी सब सुनना है। तो अगर इस चैनल पर आप न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलते हैं हमारे साथ वीडियो पुल दे। होती नहीं है इसमें जो लिखा है एकदम यथार्थ लिखा है। कुंभी पाक नरक में खोलता हुआ तेल है, खोलते हुए तेल की कढ़ाई है। जो जीवों को खाता है, मांस को बेचता है, मांस खाता है, उसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। ना वो जी पाता ना वो मर पाता। एक प्रार्थना करें, तुम जीवों को तो बिना दया के काट देते हो। हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारी पांचों अंगड़ियां एक टेबल पर धरे हो, एक ठैया काटे। तुम जीवों को तो बिना दया के काट देते हो। हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारी पांचों उंगलियां एक टेबल पे धरे हो, एक ठैया काटे। और फिर कटी भई उंगलियां जोन बचे ऊपर बढ़िया नॉन डाले, नमक तनक सो लाल मिर्चा मिलाए, निबुआ की तीन बूंदे लेके घिसे, कैसो लगे, कैसो लगे, अच्छो लगे, साजो लगे, बता कितना पीड़ा नहीं होगी। विचार करो, आपको कांटा लग जाता है तो चलते नहीं बनता। उन जीवों पर क्या गुजरती होती है, उन जीवों पर क्या गुजरती जिनका तुम गला काट करके खा जाते हो। इसलिए ध्यान दें, मांसाहारी व्यक्ति, कई लोग कहते महाराज का दिक्कत है, विटामिन बढ़ती है, ठटरी के भरे तोरी विटामिन, मोए फस में तोरी विटामिन बता। अरे भैया, किसी का मांस खाने से शरीर नहीं बढ़ता है। गौ माता साल भर की भूखी हो, दो साल की भूखी हो, तुम तो उनके सामने मांस रख दो, क्या गौ माता मांस खाएगी? जवाब दीजिए। लेकिन एक आदमी सब खा जा, आदमियों का कोई धर्म नहीं, वो सब खाते हैं। मैं प्रार्थना करूं मांसाहारी लोगों से, शाकाहारी बनो, महामारी से बचे रहोगे। शाकाहारी बनो, रोगों से बचे रहोगे। शाकाहारी बनो, नरक से बचो रहोगे। शाकाहारी बनो, मानव कहलाओगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं कि आप इस्लाम को इतने प्रैक्टिकल तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्लाम जो आवाम है उसमें उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा तहे दिल से। सवाल मेरा यह है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ और मैं नॉन वेज खाता हूँ, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाई बर्थ चला आ रहा है, बट माई सोल इज़ नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज़ नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है, हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता, हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्होंने तकरीर सुनी है और मेरी तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना। हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब? शुरू हुआ है। इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती दर्द होना चाहिए ना, तो पेड़ पौधे को चोट देते आपको दर्द नहीं होता है, कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं, हमारा ये है कि इसलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, आठवीं गलत फहमी गोश्त के बारे में, मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखती है, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूँ, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है, सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप?
मैं खुश नहीं हूँ, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं आपसे बोलता हूँ। मैं तो आप भाजीपाला क्यों खाएंगे फिर? भाजीपाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जरासीम जाते, आपके जिस्म में जरासीम जर्म्स जाते, जर्म्स को भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है, आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप, जवाब दो। आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है उसमें तो ठीक है क्या? ठीक नहीं है, नहीं दिखता है का मतलब अपने ट्रेडिशन को, जैसा हम लोग पैदा होते हैं, जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को हम फॉलो करते चले आते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है का, मैं मानू नहीं, वही तो मैं मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं थोड़ा मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है। जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होते मत खाइए। साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे, कुछ सही कहते थे कुछ गलत कहते थे, जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते उसे छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? मैं 100% उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। गलत है या सही है? मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ। फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते? आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है? चोरी? नहीं, नहीं, आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूँ इसलिए सही है, तो ये सही दलील है? नहीं नहीं नहीं, चोरी वो नहीं, मैं कहता हूँ कहा गया है, मैं पूछता हूँ, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूँ इसलिए सही, आप दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है, इसलिए हम उसको गलत, क्योंकि आपके किताब में साफ तौर से किसी का अहित होता है, किसी का अहित होता है। भाई साहब, आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे? मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता? इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी पूछ रहा हूँ, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 घंटे से इधर है, अभी अवेयर नहीं होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, सवाल जवाब सुन चुके, इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का उपनिषद का वो मैंने लिखा अभी, अभी माश लिख लिए, तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप घर पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए और तर्जुमा पढ़िए वेद का जी, आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए, नाज़रीन वीडियो आपने देखा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने किस तरह एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने कैसे आंसर दिए हैं। तो इस तरह खूबसूरत वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।